नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो गाइज, आज हम करेंगे फुल कंपैरिजन बिटवीन द ऑल न्यू डिजायर के VXi वर्सेस द ऑल न्यू डिजायर के ZXi वेरिएंट में। दोस्तों, पेट्रोल के साथ साथ CNG वेरिएंट के भी आपको हम इस वीडियो में पूरे फीचर्स बताने वाले हैं। दोस्तों, CNG और पेट्रोल मॉडल्स में आपको फीचर्स बिल्कुल के बिल्कुल बराबर देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके VXi और ZXi वेरिएंट। तो इस वीडियो में हम आपको इसके CNG वेरिएंट्स में भी क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, तो वो सारी बातें हम लोग कवर अप करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो हब। सो गाइज, बिना किसी देरी के इस फुल कंपेरिजन वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं भाई, द ऑल न्यू 2022 वेरिएंट्स हैं, जिसमें आपको भाई 1.2 लीटर का सेम पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो आपको अबकी बार भाई CNG वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। तो इंजन में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, प्राइसेस से अगर शुरुआत करें तो भाई जो डिजायर का VXi CNG आता है वो आता है 8,14,000 रुपये का। वहीं डिजायर का जो ZXi CNG आता है वो आता है करीब करीब 8,82,000 रुपये एक शोरूम। तो दोस्तों, जो ऑन रोड प्राइसेस बनती हैं VXi वेरिएंट की करीब 9,25,000 के अराउंड, और वहीं जो ZXi बैठता है वो करीब करीब 10,00,000 रुपए का आ जाता है भाई। तो इस वीडियो में मेनली बात करेंगे क्या भाई ये 75,000 रुपए के डिफरेंस जो है सच में काबिले तारीफ हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखने को पड़ेगा। हम लोग भाई माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का एक बेसिक कंपेरिजन करने वाले हैं। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही शानदार गाड़ियों को देख सकते हैं, और बेसिक डिफरेंस आपको ऐसे तो पता नहीं चलेंगे जब तक हम नहीं बताएंगे। तो उसके लिए भाई शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग चलते हैं द ऑल न्यू अर्टिगा के ZXi वेरिएंट की तरफ। तो भाई जो ZXi वेरिएंट है, इसमें आपको R15 साइज़ का अलॉय वगैरह सब देखने को मिलता है, जो आप अभी करंटली अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। और अब चलते हैं मेनली अपनी, ये है आपकी द ऑल न्यू डिज़ायर के ZXi वेरिएंट, जो आप अपने ठीक सामने देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा स्लगिश हो गया होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा हम बताएं आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तब भी हम आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे। बाकी आप देख सकते हैं भाई फीचर्स अगर आपको बताएं तो ZXi वेरिएंट इसका ज़्यादा ही वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। अगर आपको भाई मारुति के एक बढ़िया से रिलायबल भरोसे के साथ साथ R15 का अलॉय, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, टच स्क्रीन अलॉन्ग विद द फ्रंट फॉग लाइट एंड डिफॉगर वगैरह सब चाहिए, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है अगर आप एक फ़ीचर कॉन्शियस कस्टमर हैं। क्योंकि भाई इस गाड़ी में फ़ीचर जो आते हैं, नो डाउट भाई काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया फ़ीचर ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। ZXi वेरिएंट का प्राइस आपको बता दें तो 8,82,000 रुपये है। दोस्तों, 8,82,000 रुपये में आपको इसमें इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग वॉल्यूम्स, हाइट एडजस्टेबल सीट वगैरह सब देखने को मिलती है, प्लस आपको एडजस्टेबल स्टेयरिंग के साथ भाई आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह सब आता है। दोस्तों, अगर आपको फीचर रिच गाड़ी चाहिए तो आप इसका ZXi CNG लीजिए। अगर आपको एक नॉर्मल सी गाड़ी चाहिए तो हमारे हिसाब से आपको VXi भी लेना काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आपको इस गाड़ी में नॉर्मल सी हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, और येलो कलर की फॉग लाइट्स वगैरह सब देखने को मिलती है यूनोमंडा ब्रांड की। R15 साइज़ का काफ़ी अच्छा सा अलॉय है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा आपको एक तो ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। बेस मॉडल में केवल R14 आते हैं, वो भी व्हील कैप्स के साथ, जबकि भाई केवल 75,000 रुपये के डिफरेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में प्लस फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराते हैं तो आपको कतई मिल ही नहीं सकते। तो अभी हम लोग इसके हेलोजन हेडलाइट्स को भी हम लोग ज़रूर से ज़रूर भाई जला के देखते हैं। तो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है इसका साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है, क्योंकि भाई जो की आती है इसकी स्मार्ट स्टॉप बटन के साथ आ जाती है, प्लस आपको क्रोम डोर की लाइनिंग भी देखने को मिलती है। हालाँकि ये फ़ीचर जो है आपका VXi से आना शुरू हो जाता है क्रोम डोर लाइनिंग वाला, लेकिन ZXi में भी कंपनी आपको ऑफर करती है। क्रोम डोर हैंडल्स आपको इस मॉडल में नहीं मिलेंगे, वो आपको केवल और केवल भाई ZXi प्लस में आते हैं। तो भाई अब बारी आती है इस गाड़ी की सेफ्टी की। तो भाई सेफ्टी के नाम पे आपको इस गाड़ी में केवल और केवल 2 एयरबैग दिए जाते हैं, और आपको ABS विद EBD और भी 2-3 चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, और वो आपको केवल और केवल इसके ZXi प्लस में आता है। जबकि इसके ZXi में आपको इतने कोई खास फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। पीछे टेल लाइट्स की बात करें तो VXi और ZXi में आपको सेम टेल लाइट्स मिलेंगी, और 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, इस वाले ZXi मॉडल में आपको जो है कैमरे का फिटमेंट नहीं देखने को मिलता है, और बाकी आपको मोस्ट ऑफ द ZXi प्लस वाले सारे फीचर्स ही देखने को मिल जाते हैं।
केवल जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉलोमियम हेडलैम्प्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई ZXI जो CNG वेरिएंट है सच में काफ़ी ज़्यादा एक फीचर रिच वेरिएंट बन जाता है। इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो सेम आपको 1.2 लीटर का इंजन स्पेक्स देखने को मिलेगा पेट्रोल इंजन के साथ, जो आपका न्यू इंजन ऑप्शन है डुअल जेट VVT। और बाकी आप देख सकते हो भाई बढ़िया सा एडजस्टेबल स्टीयरिंग है इस गाड़ी का, जिसमें आपको अच्छा खासा वुडन का फिनिश भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट आती है दोस्तों, हाइट एडजस्टेबल सीट जो है इसके VXI वेरिएंट से आना शुरू हो जाती है, जो हाइट की रीच है वो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक AC भी आप देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो एक प्रीमियम CNG कार भाई आपके ठीक सामने है, लेकिन भाई 10 लाख रुपए में कुछ ऐसी सेडान CNG कार लेना हमारे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप डिज़ायर लवर हैं तो हमारे हिसाब से आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर भाई पसंद आ रहा होगा। बाकी पेट्रोल वेरिएंट्स और CNG वेरिएंट्स के फीचर्स ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सेम है, केवल भाई पेट्रोल मॉडल में कंपनी ने लगा दी है अब CNG। अब हम लोग इसके और फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई रियर AC वेंट्स वगैरह आपको सब मिल जाते हैं दोस्तों। अगर आप VXI लेते हैं तो उसमें भी आपको रियर AC वेंट्स सब दिए जाते हैं। और ये इसका पावर आउटपुट चार्जर, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स वगैरह सब दिए गए हैं। और यहाँ पे आप ग्लोबॉक्स का साइज़ भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा साइज़ है दोस्तों। ये वीडियो जो थोड़ा सा इस समय डाउन चल रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस अच्छी खासी दी गई है दोस्तों। स्पेस और स्टोरेज के मामले में दोनों वेरिएंट सेम है, केवल और केवल एक बेसिक फीचर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। हालांकि अगर कोई बाहर से इसके VXI वेरिएंट को देखेगा तो कतई नहीं पकड़ पाएगा कि ये भाई इसका VXI वेरिएंट है, अगर आप उस गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं तो। बाकी R14 साइज़ का भी अलॉय जो व्हील होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, नो डाउट। MID आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों में सेम है, बस इसमें एक फीचर बढ़ता है वो आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले। बाकी अब आती है बारी द ऑल न्यू डिजायर के VXI वेरिएंट की, जो कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल ये गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानते हैं। अगर आप इसका VXI वेरिएंट ले रहे हैं तो भी लोगों के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बैठता है, क्योंकि उसका जो प्राइस है 8,14,000 रुपये है CNG मॉडल में, जबकि पेट्रोल पे आपको करीब करीब भाई 7,19,000 या 20,000 रुपये का पड़ जाता है। इंटीरियर इसका भी हम आपको भी खोल के ज़रूर से ज़रूर भाई दिखाते हैं, तो इसको की आप ऐसे कुछ अनलॉक कर सकते हैं। बाकी ड्यूअल टोन का फिनिश आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ, सेम एज इट इज़ ZXI वाला इंटीरियर है, बट आपको स्टेयरिंग पे यहाँ पे कोई भी खास कंट्रोल मतलब जो है फिनिश नहीं देखने को मिलता है, जो आपको ZXI में देखने को मिलता है लेदर रैप के साथ। बाकी भाई आउटसाइड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है, नो डाउट। रियर साइड से तो बिल्कुल और बिल्कुल डिजायर का VXI और ZXI डिफरेंस लगेगा ही नहीं, बट यहाँ पे एक कमी है, वो है इसका डिफॉगर वाला ग्लास। तो होपफुली आपको सारे फीचर्स हमने अच्छे से समझा दिए होंगे, तो होपफुली हमने आपको सारी जानकारियाँ भाई उपलब्ध करा दी होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल PS Motorhub। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।